तृणमूल कांग्रेस के कार्यक्रम होंगे, किस तरीके से हमें सदस्यता अभियान वो बढ़ाना है, हरियाणा के गांव-गांव, हर शहर, हर व्यक्ति तक तृणमूल कांग्रेस क्या करना चाहती है इस मुल्क के लिए, कैसे मुल्क को बचाना चाहती है, कैसे भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देगी देश के अंदर, जिस तरीके से बंगाल में तीसरी बार ममता दीदी ने शिकस्त दी, तो उन्हीं सब के प्रोग्राम यहाँ पर हैं। और जल्दी 14 तारीख से तृणमूल कांग्रेस वो पूरे हरियाणा की यात्रा के ऊपर निकलेगी, तो मैं समझता हूँ कि सभी साथियों का पूरा सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद पहले भी हरियाणा वासियों को मिला, और तमाम मुद्दे, हम चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, उसके साथ साथ प्रदेश में भ्रष्टाचार जिस तरीके से अभी आपने देखा, खाना को डाडम में पहाड़ खिसक गए, तो ये सारे चीज़ें हैं लाखों करोड़ रुपए के। हमने तो पहले भी जब विपक्ष में थे कि कहा था ये 3 लाख करोड़ का घोटाला है, अगर उस समय जांच हुई होती तो मुझे लगता है कि, लेकिन जांच कौन करवाते, वो जो लोग उस समय विधानसभा के अंदर कुछ बैठे हुए थे वही भारतीय जनता पार्टी की मदद करने में लगे हैं। तो ऐसे में इस देशवासियों को समझ में आ गया कि एक ही शेरनी है और एक ही पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, जो आने वाले समय में इनका जो देशद्रोही ताकतें हैं, जो समाज को बांटने और कमज़ोर करने का काम करती है, उनका डट करके मुकाबला करेगी। तो इन्हीं मुद्दों के ऊपर आज चर्चा करने के लिए रोहतक में सारे पूरे हरियाणा के हमारे महत्वपूर्ण जितने भी लीडर साहिबान हैं, आज बहुत से साथियों ने, कलाकारों ने, नए नए साथियों ने, बहुत मजबूत साथियों ने तृणमूल का दामन भी थामा है, ज्वाइन भी किया है, तो लगातार ये परिवार बढ़ता जा रहा है। और 3-4 चरण में हम इस यात्रा को समाप्त करेंगे और समापन पे फिर बड़ी रैली के साथ हम और कार्यक्रम भी इसमें देखिए धीरे धीरे हम बताएंगे। पिछले 7 साल में जिन्होंने पिछले 10 साल भ्रष्टाचार किया, आज सारे मुख्य पोस्ट के ऊपर बैठे हैं, किसी को गुड़गांव लगा दिया, किसी को कोई कमिश्नर लगा दिया, किसी को कोई चेयरमैन लगा दिया, तो कहाँ वो, ये तो मिलीजुली सरकार है, ये मिलीजुली सरकार बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस की सरकार है, और ऐसी सरकार में लोगों को ना तो न्याय मिल सकता है, ना वो उनके लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। सबसे हम एहतियात के तौर पे सबसे ये गुजारिश भी करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगाएं, कोरोना की गाइडलाइन फॉलो करें, लेकिन इसकी आड़ में वो गलत तरीके से कानून पास करवा दे ये बीजेपी सरकार, उनका विपक्ष साथ दे दे, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सड़कों के ऊपर भी अब तृणमूल कांग्रेस आने वाले समय में मजबूती से लड़ाई लड़ेगी, और ये जो पापी हैं जिन्होंने आपका घड़ा जब भरता है तो ऐसे ही करते हैं, ये सरकार भी वही विंडक्टिव पॉलिटिक्स में शुरू हो चुकी है पूरे देश में, तो डट करके मुकाबला करें, लड़ाई लड़ें, और हम सब लोग मिल करके साथ हैं। पहले भी हम विपक्ष की भूमिका हमने निभाई थी, आज भी पहले भी हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ थी, और आज भी बीजेपी के साथ कोई लड़ेगा तो हम ही लड़ेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।